चकिया चला दे रहे तो अभी भैया चकिया बारह भूत खेले वो बान डर के मैं भगत जी बता दे कि वो बचा की पिसवाते हैं जाके मारे अच्छा कत्ती में। अच्छा तब वो कह रहा है भूत अरे मैं आवे की देना भाई चकिया भाई हाथ में दे दे। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। आपको मेरी कोशिश रहती है कि जो आपकी समस्या है वो महाराज संत महात्मा जो तपस्वी हैं त्यागी हैं उनके माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर करूं, आपकी समस्याओं का समाधान बताऊं। ऐसे ही महाराज जी के साथ हूँ मैं। भगत जी हैं, हरिओम मुनि है महाराज जी का नाम। और महाराज जी से आज हम जानेंगे कि जैसे ये जो खेल रहता है कि जिसके ऊपर शक्तियां आती हैं, कहते हैं कि मैया आ रही हैं या फिर भूत आ रहे हैं, जिन आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, तो क्या ये हकीकत होती है या फिर ये सब कुछ नहीं सिर्फ एक मन का भ्रम होता है? तो ये महाराज जी बताएंगे। तो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तांत्रिक वांत्रिक के पास कोई समस्या रहती है किसी साधारण मनुष्य के साथ में, तो वो सबसे पहले तो सोचेगा कि कोई भी ऐसी समस्या हो। फिर जब कुछ वक्त बीतता है तो ये कहता है किसी ने करवा दिया, तांत्रिक करवा दिया, टोटका करवा दिया, कि ऊपर लिया हुआ है, ब्याद आए, भूत है, प्रेत है, कि जिंदा आ गए। क्या ऐसा महाराज जी होता है? और अगर होता है तो मैंने सुना है कि चावण भैया के जो गांव से बाहर रहती हैं भैया, उनके मंदिर में सिर्फ रखने से सारी समस्याओं का समाधान होता है, दूर होते हैं भूत प्रेत। देखो भाई भूत प्रेत तो होते हैं, अच्छा, जित हो रही है कि यार मैं डरे डोल से चले आई। देखो तो ये महाराज जी खेलते हैं ऐसे और दूर से ही खेलते आ रहे हैं, नाटक कर रहे खेलने हैं। फेलने की तो ये है भाई, मेरे दिमाग से तो पूछोगे तो 0/0। 0/0, तो हाँ खेलते नहीं है मतलब। कोई कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने का धंधा है। अच्छा, घर में नई बहू आई, तंगड़ी होनी चाहिए महाराज जी, तेज आवाज में, बढ़िया। घर में नई बहू आई। हाँ अब नई बहू को मतलब तो जानता है तू। हाँ अब नई तो बहू आई, अब आ जाए दी सब माने चा की पीस में। कौन वहां पे तो भैया चकिया बारो बहुत खेलेगा, सा महाराज जी? चकिया बारो भाई अच्छा, चकिया चला दे रहे तो अभी तो भैया चकिया बारो बहुत खेलेगा। तो चकिया बारो महाराज जी कैसे? हाँ चकिया बारो ऐसे खेल भी लग गई। अब माँ भगत जी आई, भाई भगत जी आए, भगत ही करे तो भगत ही करे आए। भगत जी पे खुद ना कछु तो भाई का देखेगो, मगर बान डर के मारे मैं भगत जी ने बुलाई। हाँ भाई मुझे सही सही बता दे, बान डर के मैं भगत जी बता दे कि वो पचा की पिसवाते हैं जाके मारे अच्छा, कत्ती में। अच्छा इसी वजह नाटक करते तो हैं। तई चाकी न पीस वो बंद है जाएगा भाई, चाकी न पीस नहीं पड़ो करे, गोबर कूड़ो न करना पड़ेगा। बोल तो खेल फिर काम हो पे। फिर कोई ना। अच्छा ठीक है तो चलो नहीं वो आ गए एकांत तो मुनि बात है गई। अब को नंबर आया भूत खेल वे को, भूत खेलोगे भाई भाई बात तो बता काय बात है। तब वो कह रहा है भूत अरे मैं आवे की देना भाई चकिया भाई हाथ में दे दे। और तो आया कहां से था? अरे मैं तो रास्ता में तो मिलेगा हूँ। अच्छा कैसे? अरे बेवकूफ बनावे को धंधा यार, कहूं ते नाम ले दे तू तो माते मिले को मोते जी भूत अच्छा। कम भूत आता है भाई, भूत प्रेत सब भोले बाबा के जोर रहता है। बाकी अर्दली में बच्चे को तो सारे चामुंडा माता की अर्दली करते हैं। तो अब भैया तेज और कांति आए। बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी चामुंडा भैया के मंदिर जो दिखा रहा हूँ। जय माता की। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यह है माँ चामुंडा मैया का मंदिर है। तो उसमें वाकई ऐसा है कि यहाँ कोई भी आता है देखो तो? सच्चता ही है, कभी भूत खेलता नहीं है, तो फिर जी क्या करते हैं महाराज जी? बेवकूफ बनाते हैं तो सब थोड़ी महाराज जी सब। कि जैसे बालाजी जाओ तो वहां खेल रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, नीचे बाल में बिखरा के पड़े हैं, वो इधर उधर एकदम लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, पास जाओ तो ऐसे लगे यानी कैसे क्या शरीर भट रहा है इनका। तो जी कैसा रहता है महाराज जी? तो वो बालाजी पे जा रहे हैं वो अलग चीज है। अच्छा, बीमार है मतलब भूतनों को दिखा रही हो तो भैया डॉक्टर सही करेगा, भूत सही करेगा। सही बात। नहीं तो कभी कभी ऐसा ये होता तो है। एक धोखा मतलब डॉक्टर के जो ले जाओ तो डॉक्टर नब्ज पकड़ के बतावेगा फलानी चीज बीमारी है। भगत जो ले जाओ वो नब्ज पकड़ के बतावेगा कि भूत है। और न तो डॉक्टर उल्लू को तो जाने जा नब्ज में, और न वो भगत भगत जाने उल्लू को पट्टा। नहीं, भगत कहता है कि जो भूत भी आता है। पकड़ लही खाम कोरे पे, डॉक्टर तो जो पूछोगा भाई तेरे पेट में दर्द हो तो है, तेरी नाक चल रही है, अरे तेरी बहने के कमर तय देगा तो तू कहीं को हाथ पकड़ रहा वैसे ही पूछ ले। सही बात, वैसे पूछ के समस्या। हाँ
अब्बा ने पकड़ लो भगत ने हाथ, कछु दिखा तो अरे तेरी माँ का ना दिख रो जा पे, तू भगत तो काय को है रे, जाए पूछ रो तू भगत तो काय को है। सही बात है। और पर भगत तुझे काय पकड़ रहा है, मैं वैद्यन रे दूर। अच्छा वो असली भक्त होगा। हाँ जहाँ मारेगा दो कंकड़ी, दो कंकड़ी ने मक्की के देख मंदिर पे झुक जाएगा। अच्छा हाँ सच्चा होगा तो, नहीं तो ढोंग तो भैया कबू ना रुक रे, जिसे ढोंग भी दी तो ढोंग भी दिया। तो पे आजवानी को भूत खेले तो मैं रोक लूंगा, जितनी गद्दी वगैरह पड़ती है वहाँ खेल रहे की को तह रहे हैं, सब साले जवानी के भूत है। अच्छा हाँ सब ढोंगे बुरकोल, एक सुई लगा हाथ में बाय बांध, ठीक है जा पे खेला भाई की सुबह साले की पे, देख वो क्या खेलता है, फिर बताऊंगा तुझे कैसा भूत है इस पे। अच्छा ही है तो चामुंडा मैया के दरबारे में जा करके कोई भूत नहीं, कोई नहीं आता, कौन आएगा यार। अच्छा और जगत की माता है, सही बात है, जग को रखवाली है, उसके पास भोले बाबा पे भूत आ जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बता तू भोले बाबा पे भूत आ जाएगा? सही बात है, बोलो की बरात में संग गए बन पे आवे को काते हार। बिल्कुल फैक्ट बात, वो सबरे बरात में लग रहे भोले बाबा की, सही बात है, इतने बच्चे को तो चामड़ मैया की बाम सेवा में लग रहे हैं, अब भूत कहां है भाई। एक दना सभा जुड़ी भोले बाबा की, प्रभु भगवान के हाँ भगवान मऊ कछु मिले खाए देवता तो अपना जाते, भोग मिलता है इनको, भोग मिलता है हम कछु खाए मिले, सभी बंदा कह दी भोले बाबा ने कि जो हमें भगवान है न माने सरकार के ले। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो भगवान को नहीं मानता उस पे ये व्याधा रहती है, बस भूत व्याधा, वो सब अपना दिमागी खेल है बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया हमें कि किस तरीके से भूत की जो समस्या रहती है वो किस तरीके से वो उसका समाधान करते हैं, कितना दिखावटी होता है और कितना सच्चाई होती है। तो ये कहा जाता है कि जब गांव के इतिहास नहीं रहते तब से माँ का इतिहास है, और माँ को जब भी देखा गया है तो गाँव के बाहर ही मिलती है माँ चावण भैया, और चावण भैया को पूरे गाँव का एक रखवाली कह सकते हैं, एक पहरेदार कह सकते हैं, वो पूरी जो भी प्रेत बाधाएं रहती हैं भूत प्रेत की बाधाएं रहती हैं पहले वो उनसे जाके टकराती हैं, तब जाकर वो गांव प्रवेश करती हैं अगर ऐसा होता भी है तो, वरना सारी चीजें भूत व्याधा प्रेत वगैरह सब वहीं समाप्त हो जाते हैं गाँव में। अगर कोई व्याधा वगैरह रहती भी है तो भगत वगैरह के जो तुम आपको बताते हैं या कुछ भी है तो वो उनका खेल रहता है, तो वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं, किस तरीके से आपसे पैसे हड़प रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहे हैं, भक्तों के श्रद्धालुओं ऐसे मेरे साथ मंदिरों के और ऐसे ही साधु संतों के दर्शन करते रहे, जो भी आपकी समस्या रहती है महाराज जी से मैं जानूंगा, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देखो भाई मैं भगत तो ना हूँ जी, मैं तो सेवक हूँ माता का जी, सही बात भाई, मुझे तो सेवा करनी है बिल्कुल, मैंने तो कह दी माता देखे मा तू जाने भाई, जी मेरी शरण में आया है मैं तेरी शरण में भेज रहा हूँ, अब तू जाने माता, तू जाने तेरे काम जाने। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहे, जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।